अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादि लीले विविध विनत भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुत शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमशी भक्ति रूपा। सभी संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापकगण, प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने ज्योत्यादि प्रकरण की जो है ध्री धातु, दा धातु और धा धातु, इनका अध्ययन आप लोगों ने किया था। आज निजिर शौचे शौच पोषण यो इस धातु का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर पोषण अर्थ और शौच अर्थ दो अर्थ में इस धातु को बतलाया गया है। शौच का अर्थ क्या है तो शौच पद से यहाँ पर ये कहते हैं कि शौच पद से जो वस्त्र प्रच्छालन आदि का जो स्वरूप है वो यहाँ पर इस निजिर शौच धातु से उसका हम ज्ञान करते हैं, ये इनका कथन है जो इस जो है धातु पाठ में जो पाठ है और उसके जो समीक्षक हैं वो लोग ऐसा मानते हैं। और पोषण अर्थ में इसका है कि पोषण अर्थ को भी ये कहता है धातु, तो पोषण अर्थ का यहां पर क्या तात्पर्य होना चाहिए तो पोषण अर्थ में यहां कहते हैं कि पोषण का एक सामान्य अर्थ ही यहां पर हम लेंगे जो पोषण का तात्पर्य है, इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं, किंतु शौच का अर्थ यहां पर वस्त्र प्रच्छालन आदि के रूप में यहां गृहित है। अब यहां ये चूंकि धातु पाठ में धातु निजिर शौच पोषण वैसा पठित है तो निजिर में जो इर यह भाग है और ऋणा भाग है, तो ऋणा भाग में तो ऋणोना सूत्र से ऋणा के स्थान में ना हो जाता है तो ना हो जाएगा, और इर का जो है इर इत संज्ञा वाच्या ये वार्तिक है उसे इर की इत संज्ञा हो जाती है, तो जो धातु का जो स्वरूप बनता है वो निज ऐसा बचता है। अब निज इसकी जो धातु संज्ञा आप करेंगे, धातु संज्ञा करने के पश्चात लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन ती आएगा, और जैसे हमने बताया था कल ही बतलाया था कि ये धातु ये स्वरितेत धातु है। आपके सामने अभी आत्मनेपदी धातु नित्यात्मनेपदी, नित्यात्मनेपदी में आपके सामने जो धातु आई हैं वो मांग धातु है और ओ हांग धातु है, उभयपदी में भृय धातु और दा धातु और धातु, ये तीनों धातु ईत धातु हैं, और निजिर जो है ये स्वरितेत धातु, इसलिए ये भी उभयपदी है। तो सबसे पहले परस्मै पद लाते हैं और इसके बाद आत्मनेपद पद लाते हैं। परगामी क्रियाफल परस्मै पद, आत्मगामी क्रियाफल आत्मनेपद। तो यहाँ पर ती प्रत्यय लाएंगे, निज ती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर शब्द शब करेंगे, शब का जो तृतीय श्लू सूत्र से उसका श्लू हो जाएगा, निज ती खाली बचेगा। निज ती में यहाँ जो है तो सूत्र लग जाएगा आपका ये
ऋणिजाम त्रयाणाम गुण श्लौ। ऋणिज जो तीन धातु कौन कौन है, ऋणिज विच और विष, इनके अभ्यास को गुण होता है। तो पहले आप द्युत करेंगे तो निज निज निनिज निनिज ती बनेगा, अभ्यास को गुण होगा इस सूत्र के द्वारा तो ने निज ती बनेगा। अब यहाँ पर पुगंत लघुधर सूत्र से आप गुण कर देंगे तो ने नेज ती बनेगा, ने नेज तीस अवस्था में सूत्र लग जाएगा चोगु। चवर्गस्य कवर्गस्य झलि पदांते च, चवर को कवर होता है झल पर रहते और पदांत में, तो यहाँ क्या है झल परे है तीकाता, इसलिए चवर्ग जो ज उसके स्थान में कवर्ग ग हो जाएगा तो निग ती बनेगा, खरीचा से चर्त हो जाएगा तो निक ती बन जाएगा, नेक ती बन जाएगा तो ने नेक ती, ऐसा रूप आपको बनेगा तो ने नेक ती। और जब तस आ जाएगा तो तस में एक कार्य नहीं होगा और बाकी सब होगा, क्या नहीं होगा, पुगंत लघु से गुण नहीं होगा, अभ्यास को गुण होगा, चोकु से कुत्तु भी होगा, सब कुछ होगा, किंतु पुगंत लघु सूत्र से गुण नहीं होगा क्योंकि तस जो है इसकी सार्वधातुक संज्ञा होने से और अपित होने से किंतवत भाव होगा, इसलिए किंत से गुण का निषेध हो जाएगा। तो ने निज तस जाको चोकु से कुत्तु चर्त ने निक तस और वर्ण सम्मेलन सकार ने निकता, ये हो गया। बहुवचन में झी है, झी में से जेतु झोंता से अंत आदेश प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर अदभ्यस्ता सूत्र की प्राप्ति चुकी होनी है, इसलिए यहाँ पहले निज को द्वित्व हो जाएगा श्लोक होने से, श्लोक से निज निज निनिज अभ्यास को ए तो ने निज ने ए तो नहीं गुण तो ने निज झी और अदभ्यस्ता सूत्र से झ के स्थान में अत आदेश, ने निज अति वर्ण सम्मेलन करें ने निजति, तो इस प्रकार ने नेक्ति ने निकता ने निजति। और सिप आएगा आपका तो वहां पर क्या बन जाएगा, वहां ने क्षी बनेगा, निज निज निनिज अभ्यास को गुण ने निज और यहां पर सिप के परे रहते उपधा से गुण हो जाएगा तो ने नेज सी बनेगा। जाको आप यहाँ खरीचा से चर्त करेंगे जल परे होने से, नारण चौकु से कुत्त करेंगे और इसके बाद जस्त करेंगे, इसके बाद चर्त करेंगे तो का हो जाएगा, सी के सकार को शत हो जाए देशक प्रत्यय उस सूत्र से, का से क्ष हो जाए तो ने नेक्ष और ने निकथ ने निकथ ने निकथ और ने नेजमी ने निजवह ने निजमह। तो इस तरह से ये आपका प्रयोग बना लट लकार का परस्मई पद का। अब आइए आपने पद में, आपने पद में बनाने के लिए भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका त प्रत्यय तात्पर्य से एत हो जाएगा, निज ते बनेगा, सार्वधातु संज्ञा शप श्लू द्वित्व और अभ्यास को एत और अभ्यास को गुण ने निज ते, ये बना आपको। अब यहाँ पर पुगंत लघु से लगेगा नहीं क्योंकि सार्वधातु मपि से सार्वधातु गीतवत होने से, और जैसे हमने बतलाया था कि आत्मे पद में सभी जितने प्रत्यय हैं सबको गीतवत भाव हो जाता है क्योंकि कोई भी पित नहीं है, सभी अपित है, इसलिए यहाँ पर चोकु से कुत्त तो होगा किंतु पुगंत लघु से सुगुण कहीं नहीं होगा। तो ने निकते ने निजाते ने निजते ने निक्थे ने निक्षे, क्योंकि यहाँ पर था सस्य हो जाए तो ने निक्षे ने निजाथे और ने निग्ध्वे और ने निजे ने निजवहे ने निजमहे, ये रूप आपको बनेगा। अब आ जाइए आप लिट लकार में, तो यहाँ पर निज धाव से लिट लकार हुआ, प्रश्नोत्तर पद में प्रथम पुरुष एक वचन तिप होगा, अणल हो जाएगा, निज आ बनेगा, इट धातु अभ्यास से द्वित्व करें निज निज निनिज निनिज आ बनेगा और यहाँ पर पुगंत लघु सूत्र से गुण कर दीजिए तो निनेज बन गया, तो निनेज निनिजतुह निनिजुह निनेजित
निनिजथु निनिज और निनेज निनिजीव निनिजीम, ये आपका रूप बनेगा। आत्मने पद में निनिजे निनिजाते निनिजिरे निनिजिषे निनिजाते निनिजिध्वे निनिजे निनिजीवहे निनिजीमहे। और चूंकि अनिट धातु है तो यहाँ पर लुट लकार में हईडागम होगा नहीं, तो नेकता नेकतारो नेकतारा नेकता से नेकतास्था नेकतास नेकतास में नेकतास्मा नेकतास्मा। आत्मने पद में नेकता नेकतारो नेकतारा नेकता से नेकता साथे नेकता द्वे नेकताहे नेकतास्वहे नेकतास्मा। लिट लकार में निज है ती प्रत्यय और शताश्लोक से स्या हुआ, निज स्या ती बनेगा, स्या की चूंकि अर्धातु संज्ञा है सार तो अर्धातु का उगंध से गुण हो जाएगा तो नेज स्या ती बन जाएगा। अजा को आप चौक से कुत्त कर दीजिएगा, खरसा से चत कर दीजिए तो काश क्ष हो जाएगा तो नेक्षति नेक्षतः नेक्षंत नेक्षस नेक्षतः नेक्षत नेक्ष्यामि नेक्ष्यावा नेक्ष्यामः। आत्मने पद में भी इसी तरह से संपूर्ण प्रक्रिया होनी है तो नेक्षते नेक्षेते नेक्षन्ते नेक्षसे नेक्षेथे नेक्षद्वे नेक्षे नेक्षावहे नेक्षामहे, ये रूप आपको। आइए अब हम लोग चलते हैं लोट लकार में। तो लोट लकार में प्रश्नई पद में चूंकि आपने वहाँ नैनेक्ति बनाया था इसे उसे उत्त हो जाएगा तो नैनेक्तु हो जाएगा और नैनिकताम नैनिजत ये रूप आपको बनेगा। और मध्यम पुरुष में निज सी है सेरप से ही हो जाएगा, दुत्ताभ्यास अधिकार होने के बाद निनिज ही रहेगा और यंत्रणाम गुणा श्लव सूत्र से यहाँ पर अभ्यास को गुण होने से ने निज ही बनेगा क्योंकि ही को अपित भाव है इसलिए यहाँ पर सार्वधातु अपित से जो है यह अपित होने के कारण यहाँ गुण का निषेध हो जाएगा हिंदुत्व भाव होने से तो ने निग ने निज ही रहेगा। अब यहाँ पर जो ज है उसको जस्त तो करेंगे ओ जो है चौक उसे कुत्त करेंगे और जो ही है उसको हु झलभ्यो हेर धी सूत्र से ही के स्थान में धी हो जाएगा तो ने निग धी तो ने निग्धि ऐसा रूप बनेगा तो ने निग्धि ने निक्तम ने निक्त और ने निजानी ने निजावा ने निजाव ने निजाव बनेगा। तो कह भाई जब यहाँ पित है तो ने ने जानी ने ने जा ने नी ने 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 जा जाव ने ने जाव ऐसा रूप होना चाहिए का नहीं सूत लग जाएगा नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातु के। ये कहता है कि अभ्यस्त से पर जो अजादि पित सार्वधातुक है उसके पर रहते अभ्यस्त को गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर अजादि पित सार्वधातु क्या चूंकि आठ का आगम हो गया है तो मिप वस मस ये तीनों अजादि सार्वधातुक हो जाते हैं और पित हो जाते हैं क्योंकि आडुतमस्य पिसे जहाँ पर आत को पित भी पित भाव होता है तो इसलिए यहाँ पर यद्यप पुगंत लघुद सूत्र से गुण की प्राप्ति है उस गुण का निषेध नाभ्यस्तस्याच पित सार्वधातु के सूत्र कर देता है क्यों कि यहाँ पर अजादि पित सार्वधातु जो है आनी आव आम ये परे हैं इसलिए अभ्यस्त जो यहाँ पर ने निज है उसका यहाँ पर निज के नी के ई को गुण नहीं होगा तो सीधे यहाँ पर ने निजानी ने निजाव ने निजामा ऐसा ही रूप चलेगा। प्रश्न पद में आत्मने पद में ने निकते हैं आमेता से आम हो जाएगा तो ने निकताम ने निजाताम ने निजताम और ने ने निक्ष्व ने निजाथाम ने निजि ने निज ने निग्ध्वम और ने निजई
नेनी जय नेनी जाय जा वहाई नेनी जा महाई, ये रूप आपका बन जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए आप लंग लकार में, निज लंग, लंग में तिप प्रत्यय और सार्वधातुक संज्ञा अडागम तो पहले हो ही जाएगा लंगस्थावस्था में ही, तो अनिज ला तिप प्रत्यय के अनिज ती, ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्ता शब करेंगे, शब का श्लू करेंगे, श्लू से द्युत करेंगे, अभ्यास को गुण करेंगे, अने निज ती, इति में तस्कार की संज्ञा ने अने निज ता। अब ता की यहाँ जो है हलंग्या भी दीर्घास्तम हल सूत्र से लोप हो जाएगी। अब यहाँ पर अवसान संज्ञा होगी, अवसान संज्ञा होने पर चोकु सूत्र से यहाँ पर कुत्त हो जाएगा, तो जा को कुत्त क्या होगा गा होगा, खर्च भावसाने से विकल्प से चर्त हो जाएगा, तो अनेन और जो है गुण हो जाएगा आपको यहाँ पर पकार के उसको पित होने के कारण पुगंत लघु सूत्र से, तो अनेक ऐसा रूप बनेगा, तो अनेक अनेकताम अनेजु। यहाँ सिज अभ्यस्त विधि भस्य सिजो अभ्यस्तात् विदेश परस गीत संबंधों झेर जुस्या, तो यहाँ पर सब जगह जितना है ये पूरे जो इत्यादि गण में सर्वत्र यहाँ पर जो है जुस हो जाता है जितने भी गीत लकार हैं, तो लंग लिंग लुंग लृंग सर्वत्र सिज अभ्यस्त विधि सूत्र से यहाँ होता है, तो यहाँ अनेजुह और इसके बाद अनेजाह आपका बनेगा, नहीं अनेक अनेक यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इसके सकार का भी लोप हो जाएगा, अनेक अनेकतम अनेकत और अनेजम मी को अम हो जाएगा, और अम होने से यहाँ पर भी गुण वगैरह होने से अनेजम अनेजव अनेजम, ये रूप आपको बनेगा। अब इसके अनंतर आपका आएगा लिंग लकार, विलिंग लकार आप परस्मई पद पहले आप लीजिए, नहीं अभी एक चीज छूट गया और वो है आत्ने पद में लंग लकार का रूप कैसे चलेगा, तो अनेनिक्त अने निजाताम अने निजत अने निक्थाह अने निजाथाम अने निग्ध्वम अने निज अने निज वही अने निज मही, ये रूप चलेगा आपका। अब आइए लिंग लकार में, विधि लिंग लकार परस्मई पद, यहाँ पर भी लिंग में ला है, ती प्रत्यय होगा, या सुट होगा सुट होगा, ती में इतिकार की संज्ञा हो जाएगी, निज यास सौता लिंग स्वरूप से सबके सकार को लोप कर दीजिए, और या सुट में आपका केवल यास या तो शेष रहेगा। अब सार्वधातुक संज्ञा होने से निज निज दुत्त हो जाएगा, अभ्यास को गुण हो जाएगा, ने निज यास्त यात है वर्ण सम्मेलन करे देते, तो ने निज्यात ने निज्याताम ने निज्युह ने निज्याह ने निज्यातम ने निज्यात ने निज्याम ने निज्याव ने निज्याम, ये हो गया। और आत्ने पद में चूंकि यहाँ सीयुट होता है सुट होता है, तो सीयूट में लिंगा स्लोपेंद्र सकार का लोप होने से केवल ई त ये बचेगा, और यकार का ई अता बचता है, यकार का लोप से लोप कर दीजिए, तो ई त ईता इतने की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और शप होगा शप का श्लू होगा, द्वित होगा निज निज निनिज और निजाम त्रयाणाम गुण लव, इस सूत्र से यहाँ पर अभ्यास को गुण हो जाएगा, ने निज ई त वर्ण सम्मेलन कर दिए, ने निजीत तो ने निजीत और ने निजीत ने निजीयाताम ने निजीरन ने निजीथा ने निजीयाताम ने निजीध्वम ने निजीय ने निजीवहि ने निजीमहि, तो ये स्वरूप आपको हो गया। अब आई आशीष लिंग में, यहाँ पर निज है या सुट हुआ है, तो निज यास स त बना हुआ है, इसको संयोगादिरोच्य सूत्र से यहाँ पर दोनों सकारों का आप क्रमशः लोप करेंगे, तो निज्यात ऐसा रूप बनेगा, तो निज्यात निज्यास्ताम निज्यासु निज्याह निज्यास्तम निज्यास्त
निज्यासम निज्यास्व निज्यास्व। इसके बाद आप आत्मे पद में आइए तो सीयुट सुट यहाँ पर भी यही है, तो निज सीयुट सुट ता ये है। अब उट जो है सीयुट में भी उट हट जाएगा, सुट में भी उट हट जाएगा, तो क्या बनेगा निज सीय स ता, ये स्थिति है। सी का जो यह है उसको लोप रूप से लोप कर दीजिए, तो निज सी स ता ये स्थिति है। अब यहाँ पर निज का जो ज है उसको चौकू से कुत्त करिए और खच चत कर दिए तो निक बन जाएगा। का से पर सीयुट का जो सा है उसको आदेश प्रत्यय यो सूत्र से शत्व करिए, तो इसको क्या मान करके करेंगे, क्योंकि आदेश प्रत्यय आदेश रूप जो सकार, आदेशावय जो सकार और प्रत्यावय जो सकार उसी को मूर्धन्य आदेश होगा। तो ये सीयुट का जो सकार है ये प्रत्यावय सकार है, कैसे है, क्योंकि ये जो विधान हुआ है वो ता प्रत्यय को हुआ है, इसलिए इसमें भी प्रत्ययत्व धर्म माना जाएगा। यदागमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो इस नियम के आधार पर सीयुट का सा सुट का सकार ये भी प्रत्यय माने जाएंगे। जब प्रत्यय माने तो आदेश प्रत्यय यो सूत्र से प्रत्ययभूत जो सीयुट का सकार है उसको षत्व हो जाएगा, और सी घटक जो ई है उससे पर जो सुट का सकार है उसको भी षत्व हो जाएगा, और फिर तकार को शुत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा निक्षेष्ट। तो निक्षेष्ट निक्षीयास्ताम निक्षीरन, निक्षेष्ठा निक्षीयास्ताम निक्षेध्वम निक्षीय निक्षीवहि निक्षीमहि, तो इस तरह से रूप चल गया आपका। अब आ जाइए आप लुंग लकार में, निज धातु लुंग लकार आया, अडागम हो गया अनिज ला, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रश्नवी पद में ती प्रत्यय आएगा, अनिज ती बनेगी कार्य की संज्ञा निजता, चली होगा और उसी समय चली होने के पश्चात सूत्र उपस्थित होगा इरतोबा, चले सिच सूत्र को बाध करके, क्योंकि इरित धातु है इसलिए इससे भी जो चली उसके स्थान में अंग आदेश हो जाएगा, अंग चूंकि गीत है इसलिए यहाँ पर पुगंत लघु सूत्र से गुण नहीं होगा, तो अनिजत अनिजताम अनिजन, यहाँ पर चूंकि अ है इसलिए अ होने के कारण झोनता सूत्र से यहाँ पर अंत आदेश रहेगा, तो आज तो अ तो अंति बनेगा, अंति में इकार की संज्ञा हो गई इतः सूत्र से, और तकार का संयोगांत लोप हो जाएगा, अन खाली बचेगा तो अनिजन, और आपका जो है सिप में अनिजह अनिजत अनिजतम अनिजत अनिजम अनिजाव अनिजाम, ये रूप बनेगा। चूंकि ये अंग विकल्प से होता है तो चिली की जगह एक सिच भी होगा एक पक्ष में, तो जब सिच होगा तो अनिज सा बनेगा। अब साकी जो सिच वाला सकार उसकी अर्धातुक संज्ञा है, अर्धातुक संज्ञा होने से डागम प्राप्त होगा, चूंकि ये धातु अनिट है अनिट होने से डागम नहीं होगा, अस्ति सिचोप्रक्ते सूत्र से यहाँ पर ईट का आगम हो जाएगा, अनिज सा ईता बनेगा, और सिज वृद्धि प्रश्न प्रदेश नहीं बदवरहंत स्याचा सूत्र से यहाँ पर जो निज का नी का ई है उसको वृद्धि हो जाएगी, तो अनैज स ईता बनेगा, जाके नैज के जकार को शत्त होगा और नारायण कुत्त होगा चोकू सूत्र से, और खरीचा से चर्त होगा, का होगा से पर जो है सिचका से सकार उसको शत्त हो जाएगा, और शत्त होकर काश क्ष होकर के अनैक्षित अनैक्षित ऐसा रूप बनेगा, तो अनैक्षित अनैकताम अनैक अनैजत बन जाएगा, अनै अनैक्षत अनैजत नहीं अनैक्षत, क्योंकि अनैकताम में यहाँ पर झलोझले सूत्र से सिज के सकार का लोप हो जाएगा, और इसी तरह अनैक्षी अनैकथम और अनैकथ, और यहाँ पर अनैक्षम सिज का सकार हो जाएगा, काशक्ष अनैक्षम और अनैक्षव अनैक्षम, क्योंकि सिज के सकार का लोप होगा नहीं क्योंकि झल पर ही लोप होता है, तो सा रहेगा
और ज को कुत्त होकर के काश अक्ष हो गया, अनेक्ष्व अनेक्ष्मो ऐसा रूप बनेगा। तो ये तो हो गया आपका लुंग लकार का रूप आत्मने परस्मैक पद का। आत्मने पद में क्या रूप बनाएंगे? तो आत्मने पद में यहां पर अ निजता है, चिली होगा, सिच होगा, सिच में सकार खाली रहेगा क्योंकि यह ऋतुवा सूत्र केवल परस्मैक पद में लगता है, यहां लगेगा नहीं। तो अनिज सता है और यहां जो है झलोझल सूत्र से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, जाको जस्त क्या कहते हैं कुत्त हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, तो अनिक्त ऐसा रूप बनेगा इसका। और तो अनिक्त ये आपका एक वचन का रूप हुआ। और द्विवचन में क्या रूप बनेगा आपका, उसका भी जानकारी होना चाहिए। तो द्विवचन में जो रूप बनेगा आपका वो अनिक्षाताम, क्योंकि यहाँ पर सिच का सकार है, जाकार को चत जो है आपका कुत्त हुआ और चर्त हो गया, कासे पर जो सिच के सकार उसको शत हो गया, तो अनिक्षाताम अनिक्षत ये रूप बनेगा। और मध्यम पुरुष में अनिक्था अनिक्षाथाम अनिक्ध्वम बनेगा, यहाँ पर भी झलो झले से सिच के सकार का रूप हो जाएगा। और उत्तम पुरुष एक बने अनिक्ष और अनिक्ष्वहि अनिक्ष्महि, ये रूप बना आपका। अब आ जाइए आप लृंग लकार में। लृंग लकार में परस्मै पद में अनेक्षत अनेक्षताम अनेक्षण, अनेक्ष अनेक्षतम अनेक्षत, अनेक्षम अनेक्षाव अनेक्षम। आत्मने पद में अनेक्षत अनेक्षेताम अनेक्षंत अनेक्षथा अनेक्षेथाम अनेक्षध्वम अनेक्षे अनेक्षावहि अनेक्षामहि। तो इस तरह से ये पूरा रूप आप चलाते हैं निज धातु का, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो है इसके अभ्यास को श्लू परे जहाँ जहाँ भी है वहाँ निजाम त्रयाणाम गुण श्लोक सूत्र से इसको एत गुण हो जाता है, किंतु लघुपद गुण नहीं होता है, पित सार धातुक परे रहते। तो पित सार धातुक परे रहते द्वित का निषेध होने के कारण ही जो है अन्यत्र गुण नहीं होता है। तो लघुवत गुणों न सियात नाभ्यस्त स्याच पित सार्धातु के आजाद पित सार्धातु पता है इन्होंने, इसलिए नैनेक्ति में यहाँ हो जाता है, नैनेक्ष में हो जाता है। क्यों हो जाता है कि यहाँ पर हलादि पित सार्धातु करे, अरे आजादि पित सार्धातु आपको केवल मिलेगा वो लोट लकार उत्तम पुरुष में, इसलिए का उसका यहाँ रूप चलाया है और वहीं उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे नैन जानी नैनी जाव नैनी जाम ये रूप आपको बनता है। तो इस तरह से ये स्थिति है इसकी। इसके पश्चात जो है परस्मै पद में जो लुंग लकार में इर्तोवा से अ होकर अंग होकर के चिली के स्थान में एक दूसरा स्वरूप बनेगा, और जब नहीं होगा तो दूसरा रूप बनेगा, बाकी सबका सामान्य है। तो इस तरह से आपका ये जो होत्यादि प्रकरण का ये धातु है इसका विचार आज हुआ है। अब हम चलते हैं हम लोग आज इस जो होत्यादि गण प्रकरण का सिंहावलोकन करते हैं कि इसमें क्या विशेषता हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या विचार इसमें आपको हुए हैं, क्या विचार छूटे हैं। सिंहावलोकन का मतलब यही होता है कि एक बार पुनः ये पूरे प्रकरण का जो है एक अवलोकन हो जाता है। तो पहला आपका धातु, जैसे इसमें धातुओं की संख्या बड़ी कम है, इसमें परस्मै पद में हु धातु और भी धातु ह्री धातु प्री धातु और जो है ओ हाक त्यागे धातु, इतनी धातु जो है ये परस्मै पद में है। आत्मने पद में केवल दो धातु हैं, मांग धातु और ओहांग धातु। उभय पदी में इत में भ्रिय धातु
दुधाय धातु और दुधाय धातु हैं, और स्वरितेत में केवल निजिर शौच पोषण धातु है। तो ये धातुओं का परिचय है आत्मपद और प्रश्न पद के माध्यम से। तो हु धातु को दान और अदन अर्थ में कहा गया। दान में हम जैसे कहे थे हमने कि दान शब्द से यहाँ होम कर्णक रूप ही इसका लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा इसका, तो सिद्धांत कोवनी ने कहा कि स्वभावात लभ्यते, कहा स्वभाव अर्थ में ही होता है इसका, क्योंकि उसी अर्थ को कहता ही है। दूसरे क्या है कि शास्त्र में भी उसी तरह का प्रयोग आता है, और पूर्व मीमांसा में जो है तृतीय अध्याय में सर्वप्रदानम हविषस्तदर्थत्वात् इस अधिकरण में जो हविष अर्थ में हवन अर्थ में इस हु धातु का प्रयोग माना गया है, इसलिए भी इसको यहाँ दान शब्द से होम कर्ण रूप दान होता है, और जुहोति का अर्थ भक्षण अर्थ में भी होता है और हवन अर्थ में भी होता, दोनों में होता है। तो जुहोति का जिसे प्राण स्वाहा अपादान से इत्यादि के रूप में हमने बतलाया था, तो उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वधातु के स्थल में सर्वत्र जो है शब का जुहोत्यादि भश्लु से श्लू होने से श्लव सूत्र से दुत्त होता है, दुत्त वाला कार्य होगा, और ये एक विशेषता इसकी है। इसलिए सर्वत्र पूरे प्रकरण में दुत्त होगा, और अभ्यस्त होने से वहाँ पर सब जगह झाव के स्थान में अत आदेश होगा, अंत आदेश यहाँ नहीं हो पाता है, केवल स्या के परे रहते ही होता है, इसलिए वहाँ होष्यति होष्यता होष्यन्ति ऐसा बनेगा। और इस तरह से एक जगह और हो गया आपका लृंग लकार में, तो लृट लकार में लिंग लकार वहाँ पर ही झाको झी के झाको अंत आदेश, अन्यत्र सर्वत्र अत आदेश होता है, और जहाँ पर जो गीत लकार है वहाँ उसे से जब भ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से उस होता है। तो ये स्थिति इस सूत्र की इस प्रयोग के प्रयोगों की है। इसी प्रकार जो है एक चीज जो और होता है वो ये है कि भी धातु भ्री धातु और भ्री धातु और हु धातु, इनसे लिट लकार पर रहते आम का भी प्रयोग होता है। तो ये एक इनकी विशेषता है, जिसे जुहवान चकार जुहवान चक्रतु इत्यादि के रूप बनते हैं। इसी तरह से भी धातु है भी भय धातु, उसका भी ठीक इसी तरह का रूप चलता है। एक विशेषता इसमें यह है कि ये जो है तो भी धातु को यहाँ जो इकारो वास्यात हलादो किन की सारो धातु के, तो यहाँ जो कितगित सार धातु परे रहते जो आपका भी भय धातु है उसको एक बार ह्रस्व इकार का विधान होते हैं, इसलिए विभेति विभीता विभीता ये दो रूप होता है, विभीता भी होता है विभीता भी होता है। तो ये सर्वत्र है, कितगित सार धातु परे सर्वत्र नहीं होगा। तो ये एक विशेषता इसकी है। इसके बाद आपका प्रीपालन पूर्ण धातु है, जिसके अभ्यास को इकार होने से पिपर्ति होता अर्थात अन्यथा पपर्ति रूप बनता। दूसरे जो है उदोष्ठ पूर्वस इस सूत्र से इसके ऋकार को जो है उत आदेश हो जाता है कित गित प्रत्यय पर रहने से, इसलिए पिपूरतः पिपूरति ऐसा रूप बनता है। और इसी तरह से लिट परे रहते भी यहाँ पर प्री को ह्रस होने से यहाँ पर यण हो जाता है, और जब ह्रस नहीं होता है तो ऋच्छा त्रिताम सूत्र से यहाँ इसको जो है वो गुण हो जाता है, और गुण से इसलिए पप्रतु पपरतु पप्रुह पपरुह इस तरह से रूप बनते हैं। और एक सूत्र यहाँ पर वृतोबा आता है, जहाँ पर जैसे लिट लकार आपका लुट लकार है लृट लकार है, तो वहाँ जो इडागम होता है उसके विकल्प से ये दीर्घ करता है, इसलिए परिता परितारो परितारा भी चलेगा, और परिता परितारो परिता दो रूप, इसलिए परिष्यति परिष्यति ये दो रूप इसके चलते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और उसी के साथ यहाँ पर सिच वृद्धि सिच च परस्मैपद से यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर जो है
जो इडागम हुआ है इसमें आपके लुंग लकार में, उसको यहाँ पर वृतोवा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, उसका निषेध कर देता है ये सूत्र आपका जो शिष्य प्रश्न, इसलिए वहाँ अपारिष्टाम ऐसा ही प्रयोग होगा, अपारिष्टाम अपारिष्टाम ये प्रयोग नहीं होता है, अन्यत्र होता है। जैसे यहाँ पर लृंग लकार में अपरिष्यत अपरिष्यत दो प्रयोग होंगे, तो इस तरह से ये स्थिति है। इसके बाद ओ हाक त्यागे धातु है जिसका जो मुख्य प्रयोग यही है, यहाँ पर जो इसको जहाति जहिता रूप बनता है, और जहिता दो रूप बनता है, हलाद इशारा धातु पर रहते जब वहाँ पर हा के आकार को इत्त हो जाएगा तो जहिता बनेगा, और कहीं कहीं पर जो है किन किस धातु पर रहते जो है वो ईत तो भी हो जाता है तो जहिता भी बनेगा, तो जहिता जहिता दो प्रयोग बनते हैं। और इसमें जो है इसके बाद स्नाभ्यस्ते और आता सूत्र है जो आर्धा सारधा किनकी सारधातु को परे आकार का लोप करता है, तो ये इसका विशेष प्रयोग है। और दूसरे जो है ही को ही के पर रहते आकार और ह्रस्वीकार और दीर्घ ईकार का विधान सूत्र करता है आच हौ, इसलिए तीन रूप बनते हैं जहाही जही जही ये रूप हैं, तो इनका एक विशेष विधान है। और दूसरा है एक विशेष विधान होता है लोपोई सूत्र का जो हर धातु के आकार का लोप करता है सार्धातुक में, इसलिए जह्यात रूप बनता है। और एरलिंग सूत्र से ए तोनों से हेयात रूप बनता है, तो ये एक विशेष जो विधान है। और अहासित में जैसे हम तो अहासित अहाशिष्टाम अहाशिशु, यहाँ पर यम रमनामाताम सक्च सूत्र से यहाँ पर सक का भी आगम होता है धातु को, और जो सिज है उसको इट का आगम होता है, इसलिए यहाँ पर स भी सब जगह रहेगा और इडागम भी होगा। जबकि यदि इडागम यह अनिट धातु है परंतु विकल्प से यहाँ नित्य इडागम होता है यवर्णमाताम सक्षा सूत्र से, इसलिए अहाशिष्टाम अहासीत अहाशिष्टाम अहाशु ऐसे इसको रूप चलता है। शेष कोई विशेष इसमें नहीं है, और मांग माने धातु के रूप में केवल एक सूत्र है जो विशेष विधान करने वाला सूत्र है, और वह है भ्रियामित। ये भ्रिय धातु मांग धातु ओहंग धातु इन तीनों के अभ्यास को इत्त होने से यहाँ पर मिमीते ऐसा रूप बनता, नहीं तो मा था मांग धातु इसलिए ममीते ऐसा रूप इसका बनता, तो इस तरह से इसका एक विशेष रूप है। बाकी में भ्रिय धातु यहाँ पर भी चूंकि आम का विधान हो रहा है भ्री ह्री ह्रू हुवाम शुच, इसलिए इसका विवरान चकार और विवरान चक्रे ये दो रूप बनते हैं। इसी प्रकार दा धातु का और धा धातु का इनके सबके रूपों को विशेष रूप से आपका ये विधान बतलाया गया, जिसकी आपने आज इनका पूरा ज्ञान किया इन सभी प्रकरणों का अच्छे ढंग से। और इसके बाद इसमें जो विशेष विधान आया हुआ है, विशेष विधान वह है दादा गोदाब का, ये दारू पर धा धातु इसकी घू संज्ञा होने से घुसेर दबे सूत्र से यहाँ पर एत हो जाता है, इसलिए देह रूप बनता है। इसी प्रकार धा धातु में देह रूप बनता है। और स्थागोरिच सूत्र से यहाँ पर जो है घू संज्ञक धातु को सिच और कित के होने से इत होने से अधित ऐसा रूप बनता है, धा धातु का अधित रूप बनता है। तो ये विशेषता थी इन प्रकरणों की, इसलिए इनकी चर्चा की गई। और चूंकि अभी समय आपका है इसलिए हम आज ही नए प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, और वो प्रकरण है आपका दिवादिगण का। दिवादिगण की क्या विशेषता है और क्या उसका स्वरूप है, इस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद उस प्रकरण से संबद्ध जो अन्य विषय है उस पर चर्चा करेंगे। दिवादिगण का अर्थ भी वही है जैसे हमने उस दिन बतलाया था, दिव इति धातु आदि ही आद्यवयवः यस्य गणस्य सह दिवादिगण, ये इसका परिचय। दूसरा ये है कि शप के बाद दूसरा जो विकरण प्रत्यय है वो यहाँ पर दिवादिभ्य शन में शन में आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो अदादिगण है उसमें ही शप का ही विधान हुआ है विकरण के रूप में, और उसका लुक हुआ है आदि प्रतिभ्य शपा सूत्र से।
और जुहोत्यादि गण में श्लू हुआ है, जुहोत्यादि भी श्लू से, अर्थात इन दोनों प्रकरण के शप के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकरण नहीं है। किंतु अब यहाँ से अर्थात दिवादि प्रकरण और अन्य प्रकरण जितने सबका स्वतंत्र अपना एक विकरण प्रत्यय है, जिसका विधान आप देखेंगे और उसके द्वारा रूप परिवर्तन होगा। अभी तक आप देखते थे कि यहाँ पर रूप परिवर्तन जो विशेष रूप से हो रहा था वो केवल सार्वधातुक स्थल में, यद्यपि यहाँ भी सार्वधातुक स्थल में रूप परिवर्तन होगा कि उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना वहाँ पर परिवर्तन हो रहा था। आर्धातुक स्थल में तो सबकी स्थिति भ्वादि जैसे ही थी, थोड़ा बहुत अंतर था, विशेष बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जो विशेष सूत्रों की प्रवृत्ति हुई उन्हीं का केवल ज्ञान आपने इस रूप में किया है। सामान्य सभी का प्रयोग एक ही जैसा भ्वादि जैसे ही था, कुछ विशेष विधानों को छोड़ करके, जैसे आपने विधान यहाँ पर घोषोरेद्धाभ्यास लोपस्य सूत्र के द्वारा किया, स्थाघोरिच्छ सूत्र के द्वारा किया, दधसथोस्य सूत्र के द्वारा किया, तो इनके जो एक विशेष विधान उनको छोड़ करके शेष विधान सबका एक ही जैसा है। दिवादि प्रकरण में भी अनेक जो है सूत्र विशेष हैं जिनका विधान आप अलग अलग करेंगे, और सामान्य स्थिति तो यही है कि इसमें भ्वादि के भी, भ्वादिगण के भी सूत्र लगते हैं, कुछ सूत्र आपको अदादिगण के भी प्राप्त होंगे और कुछ सूत्र आपके जुहोत्यादिगण के भी पाठ होंगे। तो ये संगति है प्रत्येक का। इसके बाद यही प्रकरण क्यों रखा गया, इसके बाद यही प्रकरण क्यों रखा गया, ये भी विचारणीय है। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने षोढ़ा संगति ऋष्यते कहा, इस प्रकरण के बाद इसी प्रकरण के क्यों रखा गया, इसका भी एक है। जैसे अदादि प्रकरण भ्वादि के बाद क्यों रखा गया, ज्योत्यादि क्यों नहीं रखा गया, अगर पूछेगा तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर यही है कि पहले लुक संबंधी जो कार्य है वो अल्प है, इसलिए लुक संबंधी कार्य के लिए अदादिगण को रखा गया, अधिप्रतिभ्या शप सूत्र से शप का लुक किया गया, और इसके बाद विशेष विधान चूंकि द्वित्व का विधान करना रहा इसलिए यहाँ पर जुहोत्यादिभ्या श्लू सूत्र से शप का श्लू करके विशेष विधान करके जुहोत्यादि प्रकरण को रखा गया। और इन दोनों प्रकरण के पूर्णता को प्राप्त करने के अनंतर दिवादि प्रकरण को रखा गया, और जिसमें कि एक पृथक रूप से एक विकर्ण प्रत्यय का विधान हुआ जिसको आप शयन प्रत्यय के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से ये पूरा विवरण इसका है। अब ये भी कह सकते हैं साहब कि पहले आपने दिवादि प्रकरण क्यों रखा, आप उसके पश्चात का जो आपका प्रकरण है उसको क्यों नहीं रखा, यहाँ पर स्वादि प्रकरण को रख देते या अन्य को रख देते। तो इसमें इसके भी कई समाधान हो सकते हैं, परंतु मुख्य समाधान ये है कि जो धातु पाठकार ने धातुओं की ही गणना पृथक पृथक की है, यद्यपि संपूर्ण धातु पाठ एक साथ है, जैसा हमने बतलाया था सभी भ्वादि कहे जाते हैं, अतएव भ्वादेव धातुवा सूत्र से सबकी धातु संज्ञा होती है, किंतु मध्य मध्य में कुछ प्रकरणों की पूर्णता होती है और वो वृत्त शब्द से होती है। आप सिद्धांत कौमदी का आप भ्वादि प्रकरण के पश्चात जब आप अदादि प्रकरण पढ़ेंगे, जो ज्योत्यादि प्रकरण पढ़ेंगे, दिवादि प्रकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा होगा अदादयो वृतः, ज्योत्यादयो वृतः, दिवादयो वृतः। तात्पर्य क्या हुआ कि जो ज्योत्यादिगण की पूर्णता हुई, दिवादिगण की पूर्णता हुई, अदादिगण की पूर्णता हुई, परंतु भ्वादयो वृतः नहीं लिखा है कहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भ्वादि का के पूरा सबका अंतर्गत है। तो इनको दिवादि प्रकरण को, जो अदादि प्रकरण को, जो ज्योत्यादि प्रकरण को, दिवादि प्रकरण को, इनको अलग अलग क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि इनमें विशेष विधान होता है। जैसे अदादिगण वहाँ पर शब का श्लू जो है उसका लुक होता है, ज्योत्यादि में श्लू होता है, दिवादि में शन एक विकरण प्रत्यय विशेष रूप से होता है, इसलिए उसको रखा गया। और इसलिए भी तुदादिगण के पहले इसको रखा गया, चूँकि ये शप के
लगभग नजदीक है और एक विशेष विधान है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया। तो चलिए आज हम लोग कुछ शब्दों की सिद्धि करते हैं। जैसे आज दीव धातु है, दीव धातु से आपने लट लकार लाया, दीव ला बनेगा अकार टकार की संज्ञा होने से। यहाँ पर भी तिप्तजी सूत्र से ल के स्थान में यहाँ पर अनेक प्राप्त होंगे। अब ला का विधान तो सभी है, आपको पूरी सूत्र की व्याख्या हो चुकी है पहले ही, जो है ला कर्म चाह चाकर्म के अभ्यास सूत्र से लकार सकर्मक धाप से कर्म और कर्ता अर्थ में, अकर्मक धाप से भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता अर्थ का ही सर्वप्रथम ग्रहण होता है, क्योंकि सर्वाधिक व्यवहार कर्ता अर्थ में, उसके अनंतर भाव या कर्म व्यवहार होता है। तो कर्ता अर्थ में यहाँ पर वर्तमान अर्थ से लट लकार है और ला के स्थान में यद्यपि एक विंशति प्राप्त हैं, अष्टादश, एक विंशति नहीं अष्टादश प्राप्त हैं, उन अठारों की प्राप्ति होने पर पहले नौ नौ की पहले प्रश्नी पद आत्मे पद संज्ञा, और उसमें भी प्रश्नी पद जैसा हमने बतलाया था, प्रश्नी पद का विधान होता है जो धातु उदात्तेत है और ङित स्वरितेत नहीं है, और अगर स्वरितेत और ङित है तो उसमें उसका परगामी क्रियाफल हो, तो ऐसी अवस्था में उसे प्रश्नी पद का नियमन होता है। प्रश्नी पद में एकत्व विक्षम एक वचन ती आएगा, दीवत्ती बनेगा। दीवत्ती इस अवस्था में ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात सूत्र लग जाए कर्तर शप, कर्तर थे सार्वधातुक करे धातु शप स्याद, तो शप यहाँ उपस्थित होगा, जिसको बाद करके सूत्र आप करेगा दीवादिभ्याशन, इसलिए लिखा हुआ शपोपवादः, यह शप का अपवाद, शप को बाद करके लगता है, इसका अर्थ निर्देश नहीं है, परंतु अर्थ निर्देश आपको बनाना पड़ेगा। कर्तर शप का अर्थ क्या है, कर्तरथे सार्वधातु के परे धातु शप स्याद, इसका भी अर्थ वही बनेगा, कर्तरथे सार्वधातु को धातु के परे, कर्तरथे सार्वधातु के परे दिवादिगण पठित धातु श्यन स्याद, ऐसा आपको बना, क्योंकि दिवादिभ्या श्यन लिखा हुआ है, कर्तर शप में भ्वादिभ्या शप नहीं लिखा हुआ, वहां कर्तर शप लिखा, कर्तर सार्वधातु को धातु शप स्याद, किसी भी गण का धातु हो उसे शप होगा, और यहां लिखा दिवादिभ्या श्यन, इसलिए यहां करते सर्वधातु में धातु शप ऐसा अर्थ करेंगे, परंतु यह कर्त थे सर्वधातु परे धातु शप ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, धातु शन ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, दिवादिगण पठित धातुभ्या शन स्यात् ये करना पड़ेगा। तो दिवादिगण पठित धातु यहां पर जो है आपका दिव धातु है, उसे शन प्रत्यय होगा, शन में नकार की संज्ञा हो केवल और शकार की संज्ञा होगी, यह बचेगा दिव या ती, ये स्थिति है आपकी। तो दिव या ती इस अवस्था में आपका जो है जो या है उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, क्योंकि शित है तिंगशित सार्वधातुकम, धात्वाधिकारोक्ता तिंगा शितश्च सार्वधातुक संज्ञा स्युः, तो धात्वाधिकार में उक्त यहाँ पर यह शित प्रत्यय है या, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर सार्वधातु का अर्थ ओ उगंत लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति होगी, किंतु चूंकि ये जो या है शित है, कैसा है ये अपित सार्वधातुक, अपित सार्वधातुक नहीं है, इसलिए इसको गिद्वद भाव हो जाएगा, गिद्वद भाव होने के कारण किंगित से सूत्र से गुण का निषेध होने से दिव में पुगंत लघु सूत्र से यहाँ पर गुण का विधान नहीं होगा, दिव या ती ऐसी स्थिति रहेगी, सूत्र लग जाएगा हलीचा। तो रेफांत और वांत जो धातु उसके उपधा को दीर्घ होता है, यकार आदि प्रत्यय पर रहते तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो दीव यति हो जाएगा, तो दिव्यति रूप हो गया, तो दिव्यति दिव्यतः दिव्यंति, दिव्यसी दिव्यतः दिव्यथ और दिव्यामि दिव्यावह दिव्यामह, तो ये आपका पूरा रूप चलेगा। अब आप लाइए लिट लकार ले आइए, तो लिट में दिव ती, ती के स्थान में यहाँ पर आप लड़कल जो है आपका अड़ल हो जाएगा, परस्मी पदानुमा सूत्र से तो दिव आ बनेगा, और लिट धातु से दित कर देंगे दिव दिव दिदीव बन जाएगा, दिदीव आ
उगंत लघु लघु पदच्छ सूत्र से यहाँ पर जो है उपधा को गुण कर दें तिदेव। और अतुस उस वगैरह में क्या होगा कि असंयोगा लिटकित सूत्र से कितवत भाव होने से वहाँ पर गुण का निषेध होगा, इसलिए दिदेव दिदिवतु दिदिवुह दिदेविथ दिदिवतु दिदिव और दिदेव दिदिव दिदिम, ये आपका रूप चलेगा। दिदेव दिदिवीव दिदिवीम दिदेव दिदिवीव दिदिवीम ऐसा रूप चलेगा। इसके अनंतर आपका लुट लकार, देखिए दिदेव दिदिवतो दिदिवु में जैसा भ्वादिगण का स्वरूप है लगभग वैसे कोई अंतर नहीं। इसी तरह से आप लुट लकार में भी देविता देवितारो देवितारह देवितासि देवतास्ता देवतास देवतासि देवतास्मा देवतास्महा, यहाँ पर भी भ्वादिगण की अतिरिक्त और कोई विशेष विधान नहीं है। लृट लकार में भी देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति, यहाँ पर श्या के पर रहते सार्धातुक संज्ञा श्या की होने से पुगंत लघु सूत्र से यहाँ पर जो है गुण हो गया है और अर्धत का शेट बलाद से इडागम हो गया है। चूंकि ये दिव धातु जो है अनिट धातु नहीं है सेठ का धातु है, इसलिए देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्त देविष्यसि देविष्यतः देविष्यथ देविष्यामि देविष्यावः देविष्यावः, ये पूरा रूप आपका हो गया। लोट लकार लाएंगे तो ऋषु ऊ हो जाएगा, तो दिव्य तो दिव्यताम दिव्यंत दिव्य और दिव्य 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 हो जाएगा। यहाँ पर भी अतोहे सूत से ही का लुक हो जाएगा, तो दिव्य दिव्यतम दिव्यत और दिव्यानि दिव्याव दिव्याम, तो ये इस तरह से इसका रूप चलेगा। लंग लकार में अदिव्यत अदिव्यताम अदिव्यन अदिव्य अदिव्यतम अदिव्यत अदिव्यम अदिव्याव अदिव्याम। लिंग लकार में दिव्येत दिव्येत दिव्ये दिव्य दिव्येत दिव्येताम दिव्येयुः दिव्ये दिव्येतम दिव्येत दिव्येयम दिव्येव दिव्येव। और आशीष लिंगकार लिंगकार में दिव्यात, यहाँ पर भी हल्च से दीर्घ हो जाएगा, तो दिव्यात दिव्यास्ताम दिव्यासु दिव्या दिव्यास्तम दिव्यास्त दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास। लुंग लकार में अदेवीत, इसको सिद्ध कर देते हैं, बाकी यदि सब सिद्ध ही हैं कोई इसमें अड़चन नहीं, इसको सिद्ध कर देते हैं कि वो कैसे होगा। तो देखिए पूरा भ्वादिगण के ही सब सूत्र लगते हैं, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगता है। दिव धातु लुंग लकार अडागम तिप प्रत्यय, तो इसके पश्चात आप यहाँ देखिए तिप प्रत्यय तिमिकार की संगत ता है, स्ली होगा सिच होगा, सिच को भी इडागम हो जाएगा, अस्सी प्रतिशत से ईट का आगम हो जाएगा। और दिव का जो ई है सिच के सकार को अर्धातुक मान कर पुगंत लघु से गुण हो जाएगा, तो अदेव ई स ईत ईट ईट से सिच के सकार का लोप कर दीजिए, तो अदेवीत रूप आपका बन गया। तो अदेवीत अदेविष्टम अदेविशु अदेवी अदेविष्टम अदेविष्ट और अदेविषम अदेविश्व अदेविष्म, ये पूरा रूप से चल गया। और लृट लकार में अदेविष्यत अदेविष्यताम अदेविष्यन अदेविष्यः अदेविष्यतम अदेविष्यत अदेविष्यम अदेविष्याव अवेदिष्याम, तो इस तरह से आपके ये दिव धातु का पूरे रूप आज अपने हमने आपको बताया। अब चूंकि समय अब लगभग हो गया है, इसलिए हम लोग आज चूंकि और भी जो सूत्र हैं उनका दूसरे ढंग से रूप चलेंगे, तो आज यहीं पर इस प्रकरण की इस आज के पाठ की पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।